famous, what they call me. वेलकम टू माय एसडी ब्लॉग। सो टाइम हुआ है 2:42। सो हम लोग जा रहा हूँ डिजर्ट पर, वहाँ एक्टिविटी होगा थोड़ा बहुत, तो चले डिजर्ट तक। आप लोगों को सैंडविच दिखाता हूँ, फर्स्ट टाइम क्रैश माय बाइक, सो बनता है। और डिजार्ट तक जाने के बाद एक्टिविटी होगा थोड़ा सा। अभी एक ब्रेक से ही चला रहा हूँ, लेकिन पीछे का जो ब्रेक है वो खराब हो गया। सो होप सो भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो और अच्छा ही रहना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर चले अपना डिजर्ट पर। सो कैमल सफारी भी है और मैंने बोला ऊंट और इंग्लिश में बोलते हैं कैमल। हाँ, थोड़ा सा एक्टिविटी करने का मूड में था, लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रेक का इशू चल रहा है। तो ब्रेक ही डाउन है मेरा, मेरा नहीं बाइक का। यार क्या समझ गया तुम लोग भी। और यहाँ से लगभग एक घंटा का रास्ता है, एक घंटा, हाँ एक घंटा लगेगा ही लगेगा। तो 44 किलोमीटर है। यहाँ का जो लैंग्वेज है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सुर लगाते हैं ना पीछे, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका। इन लोगों का लैंग्वेज, इन लोगों का अच्छाई, इन लोगों का क्या कल्चर। आज तो वहाँ पर ही रहेंगे और कनक माता मंदिर होते हुए आएंगे और लंगे वाला। तो देख लियो मेरा ब्लॉग, आज तो सिर्फ यही होगा और डिजर्ट सफारी और कुछ नहीं, रहने का, छूने का, खाने का, पीने का, मौज करने का है ना। तो जैसलमेर बोर्डर तक परमिशन नहीं मिला, तो कुछ हरकत कर रहे हैं, इसीलिए बोल दिया कि परमिशन अभी नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ हरकत हो रहा है। तो क्या हरकत हो रहा है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बोल दिया, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ब्लॉक में बोलना मेरे लिए पाप होगा, क्योंकि हमारा इंडियन जो शान है ना वो खराब हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मैं होने नहीं दूंगा। और कल ऐसे ही काव मेरे सामने पटक से आ गया, पटक से, ये है ना बड़ा बड़ा पटक से आ गया। सो इसीलिए थोड़ा मन में उदास भी है और दुख भी है, बाइक का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और ये तो अलग बात है, मुझे कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आया, वो भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही मतलब बहुत। चाइना नगरी जैसलमेर में आपका स्वागत करता है, थैंक यू जी। तो हवा थोड़ा सा तेज चल रहा है, तेज, हाँ। और ऐसे ही जाना पड़ेगा, मैं जयपुर तक जाऊंगा ऐसे ही एक ब्रेक के साथ। अरे यार वो वाला ब्रेक नहीं यार, मेरा बाइक का ब्रेक यार, एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ। और ब्लॉक पूरा पूरा देखना, तब मज़ा चलेगा, मज़ा आएगा, मज़ा चलेगा, मज़ा आएगा।
और कितना तेज हवा, वाव, बहुत ही तेज। और 7 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, और अभी तो 3 बजने वाले हैं, 1 आवर तो लग ही जाएगा मेरे दोस्त। तो चलते हैं कसम भाई के तरफ और दिखाता हुआ जाएंगे क्या है वहाँ पर। ठीक है, अभी तो चुना चुना रास्ता है, चुना चुना खाली खाली रास्ता है, ऐसे रास्ते थे कल और ऐसे ही थे। मतलब जब मैं मुड़ा तब अचानक ये सब इतना क्लोज, मैं ब्रेक मारू तो तब भी नहीं होगा, और जितना हो सके कट किया। कट करने के बाद भी थोड़ा लगा, और जब लगा ना तब मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, उसी समय जब लगा उसके सेकंड में ही नहीं लगा, तब रुकने के लिए ब्रेक मारा। अरे यार ये क्या हो गया, मेरा ब्रेक क्या हो गया, मेरा ब्रेक ही नहीं है। तो मैंने देखा, अरे यार ये क्या हो गया, मेरा ब्रेक तो गया काम से, और रुका थोड़ा टाइम। तब कसम भाई से बात की, तो कसम भाई ने बोला डिजर्ट पर मत आओ, तो डायरेक्ट सीधा सीधा जैसलमेर पहुंच जाओ, और जैसलमेर में रुको। उन्होंने हम लोगों को रहने के लिए जगह दी, थैंक यू कसम भाई, आपको नहीं भूलेंगे कभी। और अभी खाना भी नहीं खाया, जाके खाऊंगा। और क्या अभी जाना है, सिर्फ जाना है, ठीक है, बाद में मिलता हूँ कसम भाई के वहाँ तक। ये रहा शायद कसम भाई का रिजोर्ट, हाँ आ गया। हेरिटेज जुम्मा रिजॉर्ट कैंप, तो कसम भाई कहाँ पर है, कसम भाई को कॉल करना पड़ेगा, कसम भाई को कॉल करते हो।